Assalamualaikum students, I am your math teacher student. आज हमने grade 8 की exercise 6.1 start करनी है, ठीक है? इसका पहला question है, solve the following equation by using formula, ठीक है? अब इसका जो first question है, उसका second part है हमारे पास 77. हमने इसका square find करना है by using formula, ठीक है? अब सबसे पहले आप लोगों ने ये तीन formula पढ़े हुए हैं, ठीक है? a प्लस बी का स्क्वेयर हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर के, ठीक है? a माइनस बी का होल स्क्वेयर हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर के, ठीक है? अब हमें पता है कि अगर हमने इसका स्क्वेयर जो है वो फार्मूला से सॉल्व करना है तो हमारे पास दो डिजिट होने चाहिए, ठीक है ना? अब 77 है, इसके ऊपर तो ये a प्लस बी या a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अगर हमने 77 का स्क्वेयर लेना है बाय यूजिंग फार्मूला तो हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है? वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको देखें, इसको अगर मैं 70 प्लस 7 लिखूँ, इसका स्क्वेयर लिखूँ, फिर भी मेरे पास ये क्या बन रहा है, 77 बन रहा है, ठीक है? और अगर इसको मैं लिखूँ 80 माइनस 3 का स्क्वेयर, फिर भी मेरे पास ये क्या बन रहा है, 77 बन रहा है, ठीक है? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर प्लस वाला फार्मूला अप्लाई कर लें या माइनस वाला कर लें, ठीक है ना? मतलब हमने इसको डिवाइड इस तरीके से करना है कि दोबारा उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो एक्चुअल टर्म है वो वाली आ जाए, ठीक है? अब हमने 77 का स्क्वेयर लेना है, ठीक है? यानी कि हमने इसका क्या लेना था, स्क्वेयर लेना था, सही है? तो 77 को मैं लिख सकती हूँ 70 प्लस 7 इसका स्क्वेयर। अब मैंने इसको टू पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमने ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया है कि हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है? फार्मूला अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास कितने डिजिट होने चाहिए, दो डिजिट होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको टू पार्ट्स में किस तरह डिवाइड करते हैं, ठीक है? आप 70 प्लस 7 करें तब भी हमारे पास 77 बन रहा है, अगर आप 80 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें फिर भी हमारे पास क्या बन रहा है, 77 बन रहा है, ठीक है? तो मैंने उसको लिख दिया है 70 प्लस 7 उसका स्क्वेयर, ठीक है? अब a प्लस बी का स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर के, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू 70 है, b की वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है? a का स्क्वेयर मतलब कि 70 का स्क्वेयर आएगा प्लस टू, a की वैल्यू 70, b की वैल्यू क्या है, 7, प्लस b का स्क्वेयर यानी कि 7 का स्क्वेयर आएगा, ठीक है? अब अगर हम 70 का स्क्वेयर लें तो ये मेरे पास आ रहा है 4900, ठीक है? टू को 70 से मल्टीप्लाई करें 140 और मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ रहा है 980 प्लस 7 का स्क्वेयर हमारे पास आएगा 49, ठीक है? इन तीनों टर्म्स को अगर मैं ऐड करूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 5929, ठीक है? तो ये वैसे अगर स्टेटमेंट होती कि अगर 77 का हमने स्क्वेयर लेना होता तो हम क्या करते हैं, 77 को 77 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम कहते हैं जी ये इसको टू टाइम जो इट सेल्फ उसकी प्रोडक्ट होती है किसी भी टाइम की, उसका क्या होती है, स्क्वेयर होती है, लेकिन अब हमने इसका स्क्वेयर लेना था बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है? तो इसलिए हमने क्या किया, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है? और अगर आपने इसका आंसर चेक करना हो तो अगर आप 77 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है? अगर आप 70 प्लस 7 के साथ इसका स्क्वेयर मतलब 77 बना रहे हैं फिर भी ये ठीक है, अगर आप इस तरह इसको डिवाइड कर रहे हैं 80 माइनस 3 फिर भी हमारे पास क्या बनेगा, 77 ही बनेगा, अगर आप इसके ऊपर माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है? इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है हमारे स्मार्ट सिलेबस में, ठीक है? फोर्थ पार्ट है हमारे पास, हमने स्क्वेयर लेना है 1006 का, ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन देखें, 1006 का हमने स्क्वेयर लेना है, तो क्योंकि हमने इसका स्क्वेयर बाय यूजिंग फार्मूला करना है इसलिए इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये हमारी मर्जी है, हम इसको प्लस वाला फार्मूला अप्लाई कर लें इसके ऊपर या माइनस वाला कर लें, ठीक है? 1006 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1000 प्लस 6 इसका स्क्वेयर, ठीक है ना? क्योंकि 1000 में अगर मैं 6 ऐड करूँ दोबारा मेरे पास क्या बनेगा, 1006 बनेगा, ठीक है? तो a प्लस बी का स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर के, ठीक है? अब क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1000 है, b की वैल्यू क्या है, 6 है, तो a का स्क्वेयर यानी कि 1000 का स्क्वेयर आएगा प्लस टू,
ए की वैल्यू क्या है 1000, बी की वैल्यू क्या है 6 प्लस बी का स्क्वेयर यानी कि 6 का स्क्वेयर आएगा। ठीक है, अब इसका अगर हम स्क्वेयर लेंगे हमारे पास प्लस 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, 2000 2000 में अगर मैं 6 ऐड करूँ तो मेरे पास आएगा 12000, 6 का स्क्वेयर मेरे पास आएगा 36। ठीक है, इन तीनों को ऐड करने से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये समझ आ गई ना कि अगर हमने कोई भी टर्म हमारे पास दी गई है, हमने उसका स्क्वेयर लेना है बाय यूजिंग फार्मूला, तो हमने उसको इस तरीके से डिवाइड करना है उस टर्म को कि उसको अगर अगर हम ऐड करें तभी हमारे पास ये वाली टर्म बने। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं या उसके ऊपर माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, उसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ, करना आप लोगों ने खुद है। ये प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस में हमारे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट था। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट है, वो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, अब इस तरह 53 है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व करना है। तो 53 का अगर हम स्क्वेयर लें बाय यूजिंग फार्मूला, तो क्या हम इसको लिख नहीं सकते 50+3, क्योंकि 50 में अगर मैं 3 ऐड करूँ दोबारा मेरे पास क्या बनेगा 53 बनेगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है बी की वैल्यू है। ठीक है, इसके ऊपर ए प्लस बी का स्क्वेयर ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।